सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक। जेई मेन्स 2023 पोस्टपोन होनी चाहिए या नहीं, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे यूट्यूब पे, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होगी कि भाई ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है हैशटैग जेई मेन्स पोस्टपोन करो। क्या ये बात सच है? क्या ये बात सही है? क्या आपकी तरफ से ये होना चाहिए या फिर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं? तो देखो, पूरी बात करूंगा मैं, और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि 75% का क्राइटेरिया क्या है या फिर वो चेंज हो चुका है। तो ये भी आपके लिए वीडियो के एंड में एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ रहने वाली है कि 75% क्राइटेरिया का क्या हुआ है। तो भाई देखो, कुछ ऐसे ऐसे कि चल रहा है कि सेवरल स्टूडेंट ने ना अर्ग किया है पीएम मोदी जी से कि जो उनके पेपर हैं उनका जो शेड्यूल है उसको रिवाइंड किया जाए, क्योंकि उनके जो एग्ज़ाम हैं जनवरी फर्स्ट अटैम्प्ट के जेई मेंस के, वो जो हैं उनके एग्ज़ाम के साथ यानी कि ट्वेल्थ के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं बोर्ड्स के, उनके साथ कॉलेप्स कर रहे हैं, जिस वजह से स्टूडेंट्स को जो है थोड़ी सी दिक्कत आ रही है अपने जो स्टडी मटेरियल है उसको एडजस्ट करने में। क्योंकि एक तरफ है बोर्ड की एग्ज़ाम और एक तरफ है जेई की प्रिपरेशन, दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने जेई मेंस का पेपर की तैयारी की तो आपके बोर्ड में कम नंबर आएंगे, और कम नंबर आने से बोर्ड में आपको 75% का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। और देखो, इस बात के रिगार्डिंग एक और सर्कुलेट हो रही है, ट्विट पे ट्रेंडिंग हो रहा है कि हैशटैग मोदी जी हेल्प जेई एस्पिरेंट्स 2023। अब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आप जो है अगर आपने पूरे साल मेहनत की है तो आपको क्या दिक्कत हो रही है आपके जो एग्ज़ाम है देने से? देखो, ऐसा तो होगा नहीं कि आपके जो बोर्ड्स के पेपर हैं और जो जेई के पेपर हैं वो एक ही दिन होंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। इसी वजह से आप लोग जो ये डिमांड कर रहे हो कि जेई मेंस पोस्टपोन करो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है और ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोविड के केसेस बढ़ने की वजह से आपके पोस्टपोन होने चाहिए, हाँ ये बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ है। क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो उन्होंने जो मास्क है उसको अब कंपलसरी कर दिया है, और जो क्राउडेड एरियाज़ हैं वहाँ पे भी आपको अब अलाउड नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इकट्ठा होना मना है। और ये भी कहा गया है कि जो स्कूल्स हैं उनमें भी प्रोटोकॉल्स लागू करने पड़ेंगे दोबारा से, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने भी गाइडलाइंस इशू कर दी है, और हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने भी गाइडलाइन इशू कर दी है रिगार्डिंग ऑफ द जो भी कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उनके रिगार्डिंग। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने लेटर लिख दिया है कि आप जो हैं या तो हमारे एग्ज़ाम जो हैं पोस्टपोन करो, कि जो फर्स्ट अटैम्प्ट है वो अप्रैल में करो, और नहीं तो फिर जो कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं उसके रिगार्डिंग अगर आप हमको कोई और इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हो तो वो भी दो, ताकि हम लोगों को श्योरिटी मिले कि हमारे जो एग्ज़ाम हैं वो जो हैं रीशेड्यूल नहीं हो रहे हैं, या फिर अगर शेड्यूल हो रहे हैं तो वो उतने ही टाइम पे हो रहे हैं ना जिस समय होने चाहिए। तो भाई देखो, नया वेरिएंट BF7 जो है डिटेक्ट हुआ है इंडिया में भी, और बहुत सारे स्टेट्स में जो है करीबन 3,500 से ज़्यादा जो केसेस हैं वो डेली मिल रहे हैं। प्रीवियस डे की बात बताऊँ तो मैं उसके रिगार्डिंग ये रहा है अपने जो क्राइटेरिया रहा है, 2 सेशन होने वाले हैं अप्रैल और जनवरी में, जनवरी का फर्स्ट अटैम्प्ट है और अप्रैल का सेकेंड अटैम्प्ट है। तो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट जो है वो अप्रैल में ही होना चाहिए, जबकि मेरे को ऐसा लगता है कि जनवरी का अटैम्प्ट जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एज़ कम्पेयर टू अप्रैल, क्योंकि अप्रैल में जो स्टूडेंट्स हैं उनको तैयारी करने का मौका मिल जाता है। अब मैं अगर आपको बात करूँ कि आपको 75% क्राइटेरिया, तो भाई देखो 75% क्राइटेरिया का सिंपल सा मैटर ये है कि अगर जिस बच्चे का प्रिपरेशन अच्छी है और उसके अगर 75% क्राइटेरिया में 75 से ज़्यादा नंबर आते हैं बोर्ड्स में, तो उसके लिए जेई का तो दरवाज़ा खुला है, तो जेई का वो पेपर तो दे ही सकता है। लेकिन अगर जिन स्टूडेंट के 75 से कम आते हैं वो जेई का पेपर नहीं दे पाएगा, ये फिक्स हो चुका है, इसमें कोई भी रिवाइंड नहीं चीज़ की जाएगी। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि आपके जो जेई मेंस के पेपर हैं वो पोस्टपोन कर दिए जाएँ। तो जेई मेंस के पेपर पोस्टपोन होने वाले हैं या नहीं इसकी कन्फर्मेशन अभी तक नहीं आई है, लेकिन मेरे हिसाब से जेई मेंस के जो पेपर हैं वो पोस्टपोन हो जाएंगे। अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होते हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि पेपर तो देना ही है। तो चलिए, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, आप देखते हैं होते हैं या नहीं पोस्टपोन। चलो ठीक है, ओके बाय।